ईद उल अजहा के मौके पर 29 जून को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स द्वारा कुरान शरीफ को जलाकर प्रदर्शन किया गया था, जिसके विरोध में भिलाई मुस्लिम समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त कर कुरान शरीफ जलाने का अपमानजनक बताते हुए सुपेला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि ईद उल अजहा के मौके पर 29 जून को एक शख्स ने स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के एक मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को जलाकर प्रदर्शन किया। चौंकाने वाली बात यहाँ ये रही कि इस प्रदर्शन के लिए स्वीडन सरकार ने बाकायदा इजाजत दी थी। ये इजाजत अभिव्यक्ति की आजादी के तहत दी गई थी। देखा जाए तो स्वीडन देश में ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसकी वजह से तुर्की और स्वीडन के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है और तुर्की ने स्वीडन पर एक धर्म को लक्षित करने का आरोप भी लगाया है। इस घटना के बाद से पूरे देश में मुस्लिम समाज अपना आक्रोश व्यक्त करते देखा जा रहा है। इसी कड़ी में सुपेला थाना भिलाई में भी भिलाई मुस्लिम समाज के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने सुपेला थाना प्रभारी को इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने एवं स्वीडन सरकार के साथ उस शख्स पर उचित एवं सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा के दौरान भिलाई मुस्लिम समाज के सदस्यों ने सिर्फ अपने ही सामाजिक ग्रंथ नहीं वरन सभी धर्मों के सामाजिक ग्रंथों को मान सम्मान देने की बात कही है। मसला यह है कि जिस हिसाब से उन्होंने कुरान पाक को जलाया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, इसीलिए हम सब पूरे सब आए। घटना बताओ स्वीडन, मांग ये करते जिस हिसाब से अभी जो हुआ है इस टाइप का दोबारा ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है कुरान, और कुरान को हर मुसलमान मानता है, उसकी बेहरमती हुई है स्वीडन सरकार की, और स्वीडन सरकार ने सपोर्ट किया है उसका जलाने वाले का। हम ये चाहते हैं कि उस जलाने वाले को, उस सरकार को, उसका जो है विरोध जता रहे हैं हम, उसकी दुनिया में जो है उसकी मुखालफत की जाए, उसका विरोध हो और हमारे धर्म का, हमारी कुरान का अपमान ना हो। हर धर्म बराबर है, किसी धर्म का अपमान ना हो। हम ये चाहते हैं, हमारा धर्म ही नहीं किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम इसीलिए यहाँ आए हैं और जो है साहब लोगों को ज्ञापन सौंपा है और हमारा जो है यही मांग है जी। मामला ये 30 जून को जो बकरीद के दिन एक शख्स ने मस्जिद के सामने कुरान जलाया, हम बहुत ही अपमानजनक घटना हुई, जिसके बाद से हम ये चाहते हैं, और ये सब चीज़ें स्वीडन सरकार के मंजूरी में हुआ है, वहाँ की पुलिस ने भी सपोर्ट किया, और हम ये चाहते हैं स्वीडन सरकार से कि, और ये पहले भी हो चुका है यूरोप कंट्रीज़ में और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि स्वीडन सरकार ही नहीं, यूरोप में जितने भी देश हैं सब ये कुरान बर्निंग एक लॉ लेके आए, कानून बनाए इस पर, ताकि ये चीज़ बार बार रिपीट ना हो। भिलाई मुस्लिम समाज द्वारा सुपेला थाना पहुंचकर सुपेला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे और दोनों ने इस मामले की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। क्योंकि ये धर्म का मामला है और ये कुरान है, कुरान को जलाया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे स्वीडन में हो, गलत बात है वो, है ना। तो भिलाई नगर के जो मुस्लिम समाज है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और स्वीडन सरकार से कहा है कि उस पर कार्रवाई किया जाए, तो हमारे से जो होगा, जो भी इन्होंने पत्र दिया है उसको प्रेषित करते हुए कार्रवाई का मांग किया जाएगा स्वीडन सरकार से। ये बीते दिनों स्वीडन में एक घटना हुई थी, कुरान पाक को जलाने की घटना हुई थी, उस घटना के विरोध में भिलाई मुस्लिम कमेटी के जो मुस्लिम समाज के करीब 100 लोग स्थानों उपस्थित आए थे, जिनके द्वारा स्वीडन में हुई घटना की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन लिया गया है। धर्म कोई भी हो, सभी को मिलके उसकी इज्जत करना चाहिए और जिस प्रकार सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, उसी प्रकार सभी धार्मिक ग्रंथों को भी सम्मान देना आवश्यक है। ऐसी घटनाओं से सांप्रदायिकता फैलने का खतरा बना रहता है, ऐसा भी कहना है भिलाई मुस्लिम समाज का। इस घटना के बाद से पूरे देश दुनिया में इसका विरोध किया जा रहा है। देखना होगा पूरी दुनिया का विरोध ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक पाता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।